अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल का एक पंखा लेके आए हैं जो कि खुर्शीद फैन 24 इंच एसी डीसी पेडिस्टल फैन है। ये पाकिस्तान का वाहिद पंखा है जो कि आप लोगों को बीएलडीसी मोटर के साथ देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को बीएलडीसी का नहीं पता तो यहाँ पर बताता चलूं कि बीएलडीसी का मतलब होता है ब्रशलेस डीसी मोटर। ऐसी मोटर के जिसके अंदर कार्बन ब्रशेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता उसे हम बीएलडीसी मोटर कहते हैं। इस मोटर की खास बात यह होती है कि ये लॉन्ग लाइफ होती है क्योंकि इसके अंदर कार्बन नहीं लगते तो ये काफी देर चलती है। इस पंखे की एक और खास बात यह है कि ये रिमोट के थ्रू कंट्रोल होता है। आप अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, दूर बैठ के भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आरएफ फ्रीक्वेंसी वाला रिमोट है, यानी कि आपको इस तरह करके नहीं चलाना पड़ेगा। चाहे आप इस तरह करके चलाएं चाहे इस तरह करके चलाएं, ये पंखा प्रॉपर तरीके से काम करेगा। इसके अलावा इस पंखे की एक और खास बात यह है कि ये कम वोल्टेज के ऊपर भी प्रॉपर तरीके से फुल स्पीड के ऊपर काम करता है। यानी कि अगर आपके एरिया में, आपके देहात में, आपके शहर के अंदर वोल्टेज की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है, वोल्टेज कम आते हैं, 100 वोल्ट से भी कम आते हैं, तो तब भी ये पंखा प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा। 100 वोल्ट के ऊपर कंपनी क्लेम कर रही है कि ये पंखा प्रॉपर तरीके से काम करता है फुल स्पीड के ऊपर। वीडियो में आगे चल के हम आप लोगों को ये सारी चीजें चेक भी करवाएंगे प्रैक्टिकली। इसके अलावा इस पंखे की एक और खास बात यह है कि 220 वोल्ट पे भी आप इसे चला सकते हैं। आप इसे सोलर पैनल के ऊपर डायरेक्टली भी चला सकते हैं, आप इसे 12 वोल्ट की किसी भी बैटरी के साथ भी चला सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को प्रैक्टिकली ये दिखाते हैं कि एक्चुअल में ये कितने वाट लेता है एसी 220 वोल्ट के ऊपर, डीसी के ऊपर कितने एम्पीयर कंज्यूम करता है, कितने वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है, लो वोल्टेज के ऊपर क्या ये कामयाब है या नहीं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताने वाला हूं। यहां पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की, यानी कि पंखे के साथ आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले 24 इंच की मोटर आप लोगों को देखने को मिलती है, एक अदद इसका ये रॉड देखने को मिलता है जिसके ऊपर फैन की मोटर माउंट होगी, और यहाँ पर जनाब इसका एक स्टैंड या जिसका पैर कह सकते हैं वो देखने को मिलता है। फ्रंट बैक कवर और ब्लेड इसके अंदर मौजूद है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये एसी डीसी है। अभी दोस्तों सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने मोटर को खोलकर चेक करना है, मोटर के अंदर से इसको खोलकर चेक करना है कि आया एक्चुअल में इसकी वाइंडिंग किस तरह की है, इसके अंदर किस सर्किट का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद फिर हम टेस्टिंग करेंगे इन मीटर्स की मदद से। सबसे पहले हम इस मोटर की ओवरऑल लुक को चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मोटर को पकड़ने के लिए यहां पर एक अदद हैंडल लगाया गया है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है। कंपनी ये क्लेम कर रही है कि ये 7 एम्पीयर आपके जो है वो कंज्यूम करेगा। एसी 100 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक की इसके अंदर प्रोटेक्शन रखी गई है, यानी कि अगर 100 वोल्ट भी आपके एरिया में आते हैं तो तब भी ये पंखा प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा, और 290 वोल्ट तक की इसकी कैपेसिटी है इसको बर्दाश्त करने की। 115 वाट कंपनी क्लेम कर रही है कि ये मैक्सिमम कंज्यूम करेगा। 1300 आरपीएम इस फैन के हैं और इसका जो मॉडल नंबर है वो सुप्रीम मॉडल है। इसके अलावा इस फैन के अंदर छोटी सी चेंजिंग ये कर दी गई है, इसके नीचे प्लस माइनस के लिए पॉइंट्स बना दिए गए हैं, और एसी 220 वोल्ट की वायर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अभी हम इसकी मोटर को खोलकर टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जब आप इसके बैक कवर को रिमूव करेंगे तो सबसे पहले आपको ये वाला सर्किट दिखाई देगा। ये सर्किट एसी 220 वोल्ट का है, यहां से इसको 220 वोल्ट मिलते हैं जिनको ये स्टेप डाउन करके, यानी कि पावर सप्लाई ये जो लगी हुई है ये पूरा मॉड्यूल, ये इनको स्टेप डाउन करके यहां पर कन्वर्ट करता है। यहां पर आगे डीसी का सेक्शन शुरू हो जाता है, इसी के बिल्कुल नीचे एक डीसी सर्किट का इस्तेमाल किया गया जो कि बहुत ही कमाल की एक चीज है। इससे पहले आपने ये वाली डीसी किट किसी भी फैन के अंदर नहीं देखी होगी, तो मैं क्या करता हूं जरा इसको खोलकर आप लोगों को तसल्ली से दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर इसके नीचे वाली साइड देख सकते हैं, एसी साइड के बिल्कुल नीचे ही डीसी वाला सेक्शन लगाया गया है। यहां से 12 वोल्ट होते हुए इस किट के अंदर आते हैं, यहां से ये वाला जो कनेक्शन है ये इसके बैक साइड के ऊपर सिलेक्टर स्विच को गया हुआ है, यानी कि आप मैन्युअली भी इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और रिमोट की मदद से भी कर सकते हैं। इसके अंदर ये पूरा जो मॉड्यूल है ये वाला सेक्शन रिमोट का काम करता है, और यहां पर काफी सारी एफईटीज लगाई गई है जो कि इस बीएलडीसी मोटर को ऑपरेट करने में काम आती है। यहां पर 3 वायर का इस्तेमाल किया, यानी कि जिस तरह आपके सीलिंग फैन के अंदर 3 वायर्स होती थी एसी डीसी सीलिंग फैन के अंदर यूवीडब्ल्यू वाली, सेम वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन वायर्स को सीधा मोटर के अंदर ले जाया गया है। अभी दोस्तों मैं यहां पर यह चेक कर लेता हूं कि क्या ये प्योर कॉपर वाइंडिंग है या सिल्वर वाइंडिंग के अंदर है, ताकि मेरी भी तसल्ली हो जाए कि ये कॉपर वाइंडिंग के अंदर है कि नहीं। तो यहां पर मैं एक वायर को थोड़ा सा साइड पे करके इसको थोड़ा सा जल्दी के साथ खरोच कर जूम करके आप दोस्तों को दिखाने की कोशिश करता हूं।
दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये वाली एक जो सिंगल वायर है इसको खरोच कर चेक किया है, तो जनाब ये प्योर कॉपर वाइंडिंग है। अगर सिल्वर होती तो नीचे से सिल्वर कलर निकल आना था, मगर ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि ये प्योर कॉपर वाइंडिंग के अंदर मोटर आपको देखने को मिलेगी। और मोटर को प्रॉपर तरीके से केबल टाई की मदद से भी फिट किया गया और वार्निश लगाकर प्रॉपर तरीके से इसे फिट किया गया है। अभी दोस्तों हम इस फैन को फिट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके ये जो रॉड है इसको इसके लोहे की फिटिंग के अंदर लगा दिया है। फिटिंग के अंदर लगाने से पहले थोड़ी ग्रीस लगा ले या थोड़ा सा तेल लगा ले तो आसानी से इसका ये रॉड इसके अंदर फिट हो जाएगा। इसके बाद जनाब बारी आ जाती है मोटर की, तो मोटर को भी सेम थोड़ी सी ग्रीस लगाकर मैं इसकी चूड़ी को अच्छी तरह से यहाँ से टाइट कर दूंगा। इसके बाद ये जो स्क्रू लगा हुआ है इसको भी मैं अच्छी तरह से टाइट कर दूंगा। ये छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ दोस्त बाद में इतराज करते हैं कि आप वीडियो को स्किप क्यों करते हो, हमें समझ नहीं आती कि इसको फिट किस तरह से करना है। इसके साइड के ऊपर लगे हुए ये चारों स्क्रूज को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और इसके बाद जनाब हम इसका फ्रंट कवर लगा देते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं इस फैन की प्राइस क्या है और आप लोगों को ये मिलेगा कहां से। इस फैन की प्राइस 8,900 रुपए है। अगर आप लोग गुजरांवाला या इसके करीबी किसी भी शहर में रहते हैं तो आप इसे हमारे आउटलेट से भी आके परचेज कर सकते हैं। डिस्प्ले के ऊपर ये जो व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है यहाँ पे कांटेक्ट करके भी आप इस पंखे को अपने घर बैठे फ्री डिलीवरी के साथ मंगवा सकते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि ये कैश ऑन डिलीवरी के अंदर अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसका वजन 20 kg से भी ज्यादा है, तो अगर कैश ऑन डिलीवरी करवाएंगे तो 2-3 हजार रुपया तो उसके ऊपर ही खर्चा आ जाता है। सो इसकी पेमेंट एडवांस होती है तो आप लोगों को ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवर भी कर सकते हैं। अगर आप खुद आके चेक करके लेना चाहते हैं तो आप हमारी शॉप से आके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी वारंटी की तो कंपनी आपको 5 साल की मोटर की वारंटी दे रही है कि 5 साल के अंदर अगर कोई मोटर के अंदर इश्यू आ जाता है तो कंपनी उसका क्लेम करके देगी। 6 माह की सर्किट की वारंटी दी जा रही है। AC DC सर्किट के अंदर अगर 6 माह के अंदर कोई मसला आ जाता है तो कंपनी आपको फ्री में क्लेम करके देगी। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं फैन को तो हमने फिट कर लिया है, इसके साथ मीटर वाला बॉक्स भी है। मैं आपको लाइव रीडिंग भी इसकी दिखाता हूं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि इसकी हवा कितनी सी है। रिमोट के थ्रू ये कंट्रोल होता है। अगर आपका रिमोट इस पंखे से लिंक ना हुआ हो तो इसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आपने उनको जरूर फॉलो कर लेना है। अगर आपका रिमोट पंखे के साथ लिंक नहीं है तो पंखा ऑन करने से पहले सेंटर वाले बटन को थोड़ी सी देर दबाकर रखें, ऑटोमेटिक आपका ये रिमोट आपके पंखे से लिंक हो जाएगा। मैं एक के बटन को प्रेस करता हूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारा फैन जो है वो चलना शुरू हो चुका है। इसके बाद 2 की स्पीड के ऊपर चले जाते हैं। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉट भी बढ़ते जाएंगे। इसके बाद ये 3 की स्पीड है और जनाब ये 4 की स्पीड के ऊपर मैंने अभी इसको कर दिया है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है, बहुत ही कमाल की इसकी हवा है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इस वाले AC मीटर के ऊपर आपको यहां पर ऊपर AC के वॉट शो होंगे, यहां पर आपको AC वोल्टेज शो होंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से ये कितने वॉट की कंजम्पशन करता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कितने वॉट का है। तो जनाब मैं इसको सिंगल स्पीड के ऊपर रन कर देता हूँ। पंखे को मैंने थोड़ा सा साइड पर रखा हुआ है ताकि वीडियो के अंदर शोर ना आए। तो 1 नंबर की स्पीड के ऊपर जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 22 वॉट इस वक्त कंजम्पशन कर रहा है। 222 वोल्ट मैंने यहां से सिलेक्शन से रखे हैं। 222 वोल्ट अगर आपके पास आ रहे हो तो आपका ये पंखा सिंगल स्पीड के ऊपर सिर्फ 22 वॉट की कंजम्पशन करेगा। अभी मैं इसको AC 220 वोल्ट के ऊपर चला रहा हूं। मैं इसको DC के ऊपर भी चलाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि DC के कितने एम्पीयर कंज्यूम करता है। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है, सिंगल स्पीड के ऊपर 222 वोल्ट आ रहे हैं और 21 से 20 वॉट की कंजम्पशन इस वक्त कर रहा है। मैं यहां से स्पीड को इंक्रीज करके 2 के ऊपर ले जाता हूं। जैसे ही मैं इसकी स्पीड को 2 के ऊपर लेके जाता हूं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वॉट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। यानी कि सिंगल स्पीड पर जितने वॉट कंजम्पशन कर रहा था 2 के ऊपर उससे डबल वॉट कंजम्पशन कर रहा है, यानी कि 44 वॉट तकरीबन कंज्यूम कर रहा है 2 की स्पीड के ऊपर। अभी मैं इसको 3 की स्पीड के ऊपर कर देता हूं तो जनाब आप लोग देखिएगा कि 3 की स्पीड के ऊपर हमारा ये पंखा 220 वोल्ट आ रहे हैं मगर 3 की स्पीड के ऊपर 82 से 85 वॉट तक ये गया है, यानी कि तकरीबन 82 वॉट से 83 वॉट की कंजम्पशन इस वक्त 3 की स्पीड के ऊपर कर रहा है। अभी मैं इसको फुल स्पीड के ऊपर कर देता हूँ, यानी कि 4 की स्पीड के ऊपर कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो जनाब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 4 नंबर की स्पीड के ऊपर यानी कि फुल स्पीड के ऊपर आपका यह पंखा 120 वाट की कंजम्पशन कर रहा है। अभी दोस्तों हम ये भी चेक कर लेते हैं कि ये पंखा DC के ऊपर कितने वाट की कंजम्पशन करता है।
मैं जनाब इसको सिंगल स्पीड के ऊपर रन कर देता हूं और एसी 220 वोल्ट को मैं यहां से डिस्कनेक्ट कर देता हूं, यानी कि इस बटन से मैं बंद कर देता हूं इसको। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मीटर के ऊपर 00 वाट शो हो रहे हैं क्योंकि एसी के साथ मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है डीसी के साथ। अच्छा, यहां पर आपको हो सकता है कि कैमरे की आंख में ये इस तरह से ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक्चुअल में ये इंसानी आंख से अगर आप देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल स्टेबल नजर आएंगे। तो जनाब सिंगल स्पीड के ऊपर आपका ये पंखा 1.6 एम्पीयर की कंजम्पशन करता है, 12.3 वोल्ट मैंने इसको पावर सप्लाई के दिए हैं। अभी मैं जरा इसकी स्पीड को इंक्रीज करता हूं, 2 की स्पीड के ऊपर अगर आप इसको लेके जाते हैं तो जनाब आपका ये पंखा 2 की स्पीड के ऊपर 3.5 एम्पीयर की कंजम्पशन इस वक्त कर रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो 2 की स्पीड के ऊपर मैक्सिमम 3.7 तक ये जा रहा है। अब मैं स्पीड को 3 के ऊपर ले जाता हूं, जैसे ही आप स्पीड को 3 के ऊपर लेके जाएंगे तो जनाब आपका ये पंखा 6.5 तक जाएगा, यानी कि 6.5 डीसी एम्पीयर की कंजम्पशन कर रहा है। अभी मैं इसको 4 की स्पीड के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूं तो 4 की स्पीड के ऊपर हमें डीसी के ऊपर कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको डीसी के ऊपर चलाएंगे तो 3 तक ही स्पीड रहेगी। अब अगर आपने 12 वोल्ट के अंदर इसके वाट निकालने हो तो उसका आसान सा फार्मूला है कि उसके वोल्टेज को उसकी करंट के साथ ज़रब दे दें, आपके पास वाट आ जाएंगे। ये मैं डीसी की बात कर रहा हूँ, एसी की नहीं। तो मैं जनाब 12.2 वोल्ट को 6.2 एम्पीयर के साथ ज़रब दे देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये पंखा इस वक्त डीसी के ऊपर 75 वाट की कंजम्पशन कर रहा है, यानी कि फुल स्पीड के ऊपर डीसी के ऊपर ये 75 वाट की कंजम्पशन करेगा और ये 3 की स्पीड के ऊपर रन हो सकता है, इससे ज़्यादा स्पीड के ऊपर ये डीसी के ऊपर नहीं जाता। जबकि अगर मैं एसी की बात करूँ तो एसी के ऊपर ये 115 वाट की कंजम्पशन करता है और फुल स्पीड के साथ आपका ये पंखा चलता है। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इस फैन के लो वोल्टेज टेस्टिंग करने की, तो मैं यहाँ पर वैरी की मदद से वोल्टेज को कम कर लेता हूँ। कंपनी ये क्लेम कर रही है कि ये 100 वोल्ट के ऊपर भी प्रॉपर तरीके से काम करता है, तो क्यों ना मैं 99 वोल्ट के ऊपर रखकर इसको टेस्ट करूं कि ये 99 वोल्ट के ऊपर प्रॉपर काम करेगा भी कि नहीं, कंपनी सही कह रही है या झूठ बोल रही है। अभी जनाब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, तो जनाब मैं यहां से वोल्टेजेस को 99 के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूं। आप लोगों के बिल्कुल सामने है 98 से 99 वोल्ट तक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, 220 वोल्ट के साथ मैंने इसको लगा दिया है, डीसी की मैंने तारें उतार दी हैं ताकि कोई ये ना कहे कि भाई ये तो डीसी से चल रहा है। तो मैं फैन को सिंगल स्पीड के ऊपर रन कर देता हूं। तो लीजिए जनाब हमारा पंखा जो है वो सिंगल स्पीड के ऊपर काम करने लग चुका है। इसी के साथ साथ हम वाट की कंजम्पशन भी चेक करते रहेंगे। तो ये जनाब ये तो कमाल हो गया कि हमारा ये जो पंखा है लो वोल्टेज के ऊपर भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। 97 वोल्ट है, वही सेम वाट यानी कि 21 से 22 वाट की कंजम्पशन ये पंखा कर रहा है। अभी मैं स्पीड को इंक्रीज करता हूं, मैं स्पीड को 2 के ऊपर ले जाता हूं। तो दोस्तों आप लोगों के बिल्कुल सामने है 2 की स्पीड के ऊपर तकरीबन उतने ही वाट हैं जितने के 220 वोल्ट के ऊपर होते हैं और आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अभी मैं जनाब इसको 3 की स्पीड के ऊपर भी ले जाता हूं तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि जनाब वाट की कंजम्पशन भी बिल्कुल आपके सामने है, 95 वोल्ट है, 82 वाट उतने ही वाट की कंजम्पशन कर रहा है। अभी मैं जनाब इसको 4 की स्पीड के ऊपर ले जाकर भी टेस्ट कर लेता हूँ तो जनाब 94 वोल्ट के ऊपर ये 4 की स्पीड के ऊपर थोड़े से ज़्यादा वाट कंजम्पशन कर रहा है, यानी कि 140 वाट तक ये जा रहा है। जबकि हमने इसको 220 वोल्ट पे चलाया था तो सिर्फ ये 220 वोल्ट के ऊपर 120 वाट कंज्यूम कर रहा था। फैन की स्पीड बेहतरीन है, बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, मगर यहाँ पर 4 की स्पीड के ऊपर मुझे थोड़े से वाट ज़्यादा लग रहे हैं। तो जनाब इससे ये साबित होता है कि हमारा ये जो पंखा 100 वोल्ट से कम की पावर सप्लाई के ऊपर भी काम कर सकता है, यानी कि अगर आपके एरिया में कम वोल्टेज भी आते हैं तो उसके ऊपर ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जरा इसके हाई वोल्टेज की टेस्टिंग कर लेता हूँ। ये जो वोल्टेज नॉब है मैं इसको फुल के ऊपर कर देता हूँ, देखते हैं फुल के ऊपर हमें कितने वोल्टेज के ऊपर कितने वाट देखने को मिलते हैं। अभी पंखा सिंगल स्पीड पे मैंने कर दिया है, 266 वोल्ट इस वैरिक की मदद से मैक्सिमम सेलेक्ट हो रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं जा रहे, तो ऑलमोस्ट ये 270 के करीब हैं। तो सिंगल स्पीड के ऊपर वाट ठीक हैं, दो नंबर की स्पीड के ऊपर देख लेते हैं, यानी कि अभी हमने इसकी हाई वोल्टेज की टेस्टिंग कर रहे हैं कि अगर वापडा के वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं तो तब इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। सेम वही वाट है जो 220 वोल्ट के ऊपर है, 3 की स्पीड के ऊपर अभी मैंने इसको कर दिया है तो जनाब 3 की स्पीड के ऊपर भी तकरीबन उतने ही वाट हैं। अभी मैं इसको 4 की स्पीड के ऊपर कर देता हूं तो दोस्तों आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि 4 की स्पीड के ऊपर भी आपको उतने ही वाट देखने को मिलते हैं जो 220 वोल्ट के ऊपर देखने को मिल रहे थे। अभी दोस्तों आप लोग यकीनन यही सोच रहे होंगे कि क्या हो कि अगर पीछे से पावर सप्लाई 220 वोल्ट डिस्कनेक्ट हो जाती है तो क्या ये पंखा चलता रहेगा। तो मैं यहां पर डीसी की जो प्रॉड है यहां पर लगा देता हूं, यानी कि एलिगेटर क्लिप को यहां पर कनेक्टर्स के ऊपर लगा देता हूं। तो अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि आया अगर
हमारा पंखा चल रहा है चाहे किसी भी स्पीड के ऊपर चल रहा हो, ये 220 वोल्ट का प्लग मैं निकाल देता हूँ, यानी कि 220 वोल्ट को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो आप लोगों के बिल्कुल सामने हमारा पंखा डीसी के ऊपर चला जाएगा, डीसी के ऊपर ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। और जैसे ही आपकी 220 वोल्ट का प्लग इसके अंदर लगेगा, यानी कि जैसे ही 220 वोल्ट आएंगे, तो आपका ये पंखा दोबारा वापस 220 वोल्ट के ऊपर आ जाएगा। यानी कि अगर आप लोग सोलर को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि वापडा 220 वोल्ट को डिस्कनेक्ट रखना पड़ेगा, ताकि आपका सोलर डे टाइम ज्यादा यूज हो। जैसे ही आपको लगे कि अभी शाम हो रही है, तो आप वापडा का 220 वोल्ट का बटन नीचे कर देंगे, तो आपका ये पंखा ऑटोमेटिक 220 वोल्ट के ऊपर आ जाएगा। अभी दोस्तों हम इस फैन को अपनी स्मार्ट सॉकेट के ऊपर भी चेक कर लेते हैं, ताकि किसी बंदे के जहन में ये बात ना आ जाए कि यार इन्होंने ये जो बॉक्स बनाया हुआ है इसको अपनी मर्जी से ये एडजस्ट कर सकते हैं। तो जनाब मैं यहां से इसके प्लग को उतार कर स्मार्ट सॉकेट के अंदर लगा देता हूँ, और जरा जूम करके आप लोगों को इसकी लाइव रीडिंग भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अभी स्मार्ट सॉकेट के डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अभी हमने फैन को सिंगल स्पीड के ऊपर रन किया है, यहाँ पर 0.21 एम्पीयर की कंजम्पशन ये कर रहा है। एसी 220 वोल्ट के ऊपर अभी हमारा ये पंखा चल रहा है, 237 वोल्ट वापडा के आ रहे हैं। आप लोगों के बिल्कुल सामने सिर्फ 21 वाट की कंजम्पशन कर रहा है, पावर फैक्टर 0.4 है, तो आप लोग देखिएगा कि अभी ये 2 की स्पीड के ऊपर कितने वाट की कंजम्पशन करता है। 2 की स्पीड के ऊपर 0.4 एम्पीयर की कंजम्पशन ये कर रहा है, 46 वाट 2 स्पीड के ऊपर ये कंज्यूम इस वक्त कर रहा है, पावर फैक्टर वही 0.4 है। अभी मैं 3 की स्पीड के ऊपर इसको कर देता हूं, तो आप लोग यहां पर देखिएगा जैसे ही हम इसे 3 की स्पीड के ऊपर करते हैं तो ये 86 वाट की कंजम्पशन कर रहा है, 0.5 पावर फैक्टर है, और अगर एम्पेयर की बात करें तो 0.67 एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा है। अभी मैं इसको 4 की स्पीड के ऊपर मूव कर देता हूँ, तो जनाब 4 की स्पीड के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वाट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी दोबारा से आप लोगों को वाट दिखाता हूँ, 0.5 पावर फैक्टर है हमारा, 0.9 एम्पीयर की कंजम्पशन ये कर रहा है, 236 वोल्ट आ रहे हैं, और अगर वाट की मैं बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जनाब 123 वाट की कंजम्पशन इस वक्त हमारा ये पंखा कर रहा है। यानी कि स्मार्ट सॉकेट के ऊपर ये जो लाइव आपको रीडिंग दिखाई दे रही है इसके अंदर और उसके अंदर आप टॉलरेंस देख सकते हैं कितनी सी टॉलरेंस है। अभी दोस्तों ये तो बात होगी इनकी खूबियों की, अभी बात कर लेते हैं इस पंखे की खामी की। सबसे पहली खामी मुझे इस पंखे के अंदर ये लगी है कि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, कि एक नॉर्मल बंदे के बजट से थोड़ा सा बाहर हो रही है। अलबत्त अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए, इसके फीचर्स को देखा जाए, तो इसकी प्राइस बिल्कुल ठीक है। कंपनी भी यहाँ पर प्राइस को मैनेज करने में मजबूर है, उसकी वजह यह है कि आए दिन या तो कॉपर का रेट ऊपर चला जाता है या खाम माल का रेट ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो जैसा कि आप लोगों को इलम है कि रिसेंटली पिछले साल से कॉपर का जो रेट है और इसके अलावा जो खाम माल का रेट है वो स्टेबल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से चीजों के रेट काफी ज्यादा ऊपर चले गए हैं, तो इसकी प्राइस मुझे थोड़ी सी हाई लगी है। अलबत्त देखते हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर इसकी प्राइसेस कम हो अगर कॉपर की प्राइस नीचे आती है। दूसरी खामी मुझे इस पंखे के अंदर ये नजर आई है कि कंपनी ने यहाँ पर जो डीसी के कनेक्शन रखे गए हैं उसके साथ ये जो थिम्बल का इस्तेमाल किया गया है उसके ऊपर टेपिंग की गई है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि थिम्बल के ऊपर टेप की गई है, प्रॉपर तरीके से इंसुलेशन नहीं चढ़ाई गई। अगर ये टेप गर्मी की वजह से उतर जाती है और ये प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो नुकसान होने का अंदेशा हो सकता है। तो मैंने कंपनी को ये चीज की सजेशन भी दे दिया है कि आप इसके ऊपर या तो प्रॉपर हीट सिंक ट्यूब का इस्तेमाल करें या किसी प्रॉपर थिम्बल का इस्तेमाल करें, ताकि गर्मी की वजह से ये जो थिम्बल लगे हुए हैं ये आपस में जुड़ने ना पाए और आप किसी का भी नुकसान ना हो। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। मुझे आपका तो पता नहीं, मगर मैंने ये पंखा अपने घर के लिए मुख्तस कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ भी अक्सर रात के वक्त लोड शेडिंग होती है, तो रात के वक्त आपको पता है कि मोस्टली गर्मियों में लोग छत पे ही सोते हैं, तो हम लोग भी छत पे सोते हैं, तो वहां पर मैं इस पंखे का इस्तेमाल करूंगा। चलो जितनी सेविंग की जाए उतनी ही बेहतर है। दोस्तों वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, यकीन करें कि इसके पीछे बहुत सारी एफर्ट हो रही होती है, पूरे फैन को फिट करना, उसकी मोटर को खोलना, उसकी एक एक चीज के बारे में आप लोगों को बताना और दोबारा से उसको फिट करना। बिहाइंड द सीन आप लोगों को तो नजर नहीं आ रहे होते, मगर जो उसके पीछे एफर्ट चल रही होती है वो हमें पता होती है कि कितनी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है इस गर्मी के मौसम में। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।